तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और देश की इस आज़ादी के 75वें वर्ष महोत्सव को भी शानदार तरीके से मना रहे होंगे। आज़ादी के जब अमृत महोत्सव में हैं, अमृत महोत्सव की बेला में हर एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, देश की आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और साथ ही साथ जो बैंकिंग बिजनेस में हम लोग जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से जो समाज के विकास के लिए जो कार्यक्रम लाए जा रहे हैं, उस दृष्टिकोण से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। आज का दिन जो है देश के लिए और बैंकिंग में काम कर रहे हमारे साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं का विस्तार किया गया और एक महत्वपूर्ण जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया और आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन की शुरुआत की गई। तो इसी टॉपिक पर आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए साथियों, जब भी आप जो बैंकिंग की नई योजनाएं आती हैं, सरकारी जो योजनाएं आती हैं और भारत सरकार के जो देश के विकास उन्मुख हेतु तो जो भी कार्यक्रम लाए जाते हैं उनको आपको बड़ी गंभीरता से पढ़ना होता है, क्योंकि वो जो टॉपिक होते हैं वो प्रमोशन एग्जाम्स के हिस्से जरूर होते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, आज जो महत्वपूर्ण घोषणाएं सरकार द्वारा की गई तो उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वित्त और कॉरपोरेट कार्यालयों के मंत्रालय के एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक समारोह आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन जो है उसका उद्घाटन किया। और ये आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन जो है इसकी शुरुआत आज 6 जून 2022 से हुई है और 6 से लेके 11 जून तक ये प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह मनाया जाएगा। मतलब एक प्रतिष्ठा जो आपने आर्थिक विकास की धारा में सहयोग किया है और देश के जो रुपए को जो सफरनामा दिया है आर्थिक विकास में, उसके लिए आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया। साथ ही साथ आज महत्वपूर्ण दिन रहा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल इकोनॉमी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की बेला पर प्रधानमंत्री जी ने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला भी जारी की, जिसमें आज़ादी के 75वें जो अमृत महोत्सव उसकी जो पहचान है, उसकी जो झलक है उसमें दिखाई गई है, ताकि इसके माध्यम से जो सिक्के का जो सफर है उसको जो है सही प्रतिष्ठा मिल पाए। इसी उद्देश्य से ये 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के की जो विशेष श्रृंखला आज मोदी साहब ने जारी किया। और आज़ादी के इस लंबे संघर्ष में जिसने भी हिस्सा लिया उन्हें याद करने के उद्देश्य से, उनके योगदान को आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से, साथ ही साथ इस आंदोलन में जिन लोगों ने भी साथ दिया, अपनी ऊर्जा और आयाम को जोड़ा, उनके आस्था और अध्यात्म को भौतिक जो आज़ादी के साथ साथ बौद्धिक आज़ादी के अलग जलाने में जो मदद किए, उसके लिए आज़ादी का जो ये 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं पूरा देश और प्रत्येक जो देशवासी का कर्तव्य है कि ऐसे समय में अपने अपने स्तर पर कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के नाम में जरूर करें। इसी उद्देश्य के लिए ये आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन का जो उद्घाटन आज देश के प्रधानमंत्री ने किया और सरकार ने साथ ही साथ अपने 8 साल के कार्यकाल में जो जन भागीदारी के कार्यक्रम है उनकी भी घोषणा की और उनके बारे में जो है उन्होंने विकास कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताया। साथ ही इसमें जो नई योजनाएं बैंकों से संबंधित है उनको भारत सरकार ने देश के प्रति और बैंकों के लिए जो है उसको आज लॉन्च किया, जिसका नाम दिया है न्यू पोर्टल, नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन, जिसको बोलते हैं जन समर्थ पोर्टल। तो राष्ट्र के योगदान में जो गौरवशाली इतिहास के लिए जो 75वीं आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं,
इसी कड़ी में देश के विकास में एक बहुमूल्य योगदान, एक नई चीज जोड़ने के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया। और ये पोर्टल जो है आपके आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्स गवर्नमेंट स्कीम्स, एक पोर्टल लॉन्च किया गया आज, जिसको जनसमर्थ.in वेबसाइट के नाम से लॉन्च किया गया। न्यू पोर्टल, इट इज़ ए नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन स्कीम है, जिनमें क्रेडिट जो है लिंक्ड किया जाता है, जो देश में जो बैकवर्ड लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो रोज़गार करना चाहते हैं और गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो स्कीम है उनमें क्रेडिट लिंकेज किया जाता है, उनके लिए वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें क्रेडिट लिंकेज दिया जाता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स में। और इनके माध्यम से जो है लोन की सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विस्तारित की जाएंगी, उनको अप्रूवल मिलेगा। तो इसके लिए एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका नाम है जन समर्थ। लोगों को समर्थ बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, उनके रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, उन्हें जीवन में और आगे बढ़ने के लिए, समाज में योगदान करने के लिए जो भी आर्थिक सहयोग होता है, वित्तीय सहायताएं होती हैं, सीधे इस पोर्टल के माध्यम से पहुंचाने के लिए सरकार ने 13 योजनाओं और 4 लोन कैटेगरी में 125 से भी ज़्यादा लेंडर्स को इस प्लेटफॉर्म में जोड़ के आज ये जन समर्थ जो न्यू पोर्टल है उसका लॉन्च किया। अब इस इनिशिएटिव के बारे में अगर जानेंगे तो ये एक यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन स्कीम में क्रेडिट लिंकेज किया जाएगा। वो काम अभी भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग एरिया में अलग अलग जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसके लिए ग्राहक आते हैं बैंक में, और ये क्रेडिट लिंकेज के कार्यक्रम जो है सरकार की निगरानी में होते हैं। लेकिन सरकार ने उसी में ही आगे हाथ बढ़ाते हुए एक यूनिक सॉल्यूशन दिया कि जो भी हितग्राही हैं, जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, जहां पर वन स्टॉप डिजिटल जो है सॉल्यूशन दिया है, जिसके माध्यम से वो जो है अपने एलिजिबिलिटी, लोन एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, अपनी जो लोन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने बैंक का चुनाव कर सकते हैं और वहां पर ऑनलाइन सैंक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। सो ए यूनिक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल फॉर लिंकेज ऑफ क्रेडिट अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स, और इसका नाम दिया गया जन समर्थ पोर्टल, है ना, जन समर्थ पोर्टल। अभिषेक जी याद हो जाएगा ना, जन समर्थ पोर्टल। तो एक नंबर जो है आपको जरूर मिल जाएगा जन समर्थ पोर्टल के बारे में। आज विस्तार से हम इस पोर्टल के बारे में जानेंगे। एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर यूनिक डिजिटल सॉल्यूशन दिया गया है, और बहुत सारे जो क्रेडिट लिंकेज गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको सिंगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक एक्सेस दिया गया, ताकि जो इसके स्टेक होल्डर हैं, इसके जो बेनिफिशरी हैं, उसका लाभ ले सकें। इस पोर्टल को लॉन्च करने से के पीछे जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर बाय गाइडिंग एंड प्रोवाइडिंग देम टू द राइट टाइप ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट थ्रू सिंपल एंड इजी डिजिटल प्रोसेस। इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे जो उद्देश्य है, ऐसी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रेडिट लिंक की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि जरूरतमंद लोगों को बड़े ही आसानी के साथ, सरल तरीके से, तकनीकी प्रोसेस के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर वो पा सकें, और जो योग्य हैं उनको डिजिटल तरीके से जो है उनकी योग्यता वो चेक कर पाएंगे और उसको आवेदन कर पाएंगे और उनकी स्वीकृति मिलेगी। तो इस उद्देश्य के साथ जो है जन समर्थ पोर्टल जो है आज लॉन्च किया गया और देश को समर्पित कर दिया गया। अभी जब हम इस सदी में चल रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट जो वेज में चल रहे हैं बिजनेस को, चाहे समाज के विकास के लिए, तो ऐसे एनालिटिक्स के माध्यम से जो भी हितग्राही आएंगे, इसमें एक साथ बहुत सारे लोगों को सरकार ने कनेक्ट कर दिया। देखिए कैसे, एप्लीकेंट्स को भी कनेक्ट कर दिया, और एप्लीकेंट्स के पास मौका है, वो लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चुन सकते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी उनको देख सकती है, नोडल एजेंसी, फैसिलिटेटर, ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड हो गए हैं। तो है ना, ये जनसमर्थ एप्लीकेंट्स हैं, लेंडर्स हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज हैं, नोडल एजेंसीज हैं और फैसिलिटेटर्स हैं, ये सारे जो हैं एक साथ इंटीग्रेशन कर दिया। मतलब फाइनेंशियल एक इकोसिस्टम दिया जिसमें से एक सिंगल प्लेटफॉर्म, ताकि जो सरकार जो है वो प्रमोट कर सके इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, कि बड़ी ही आसानी से, सरल तरीके से, तकनीकी प्रोसेस के माध्यम से लोग जो हैं जो क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है उसका लाभ ले पाएं। अब ये जो नया पोर्टल है, न्यू पोर्टल लॉन्च किया गया आज देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, आज जो है आइकॉनिक वीक का समारोह का उद्घाटन किया गया, जिसमें बैंकों के दिग्गज लोगों को, जो बैंक के सारे जो हायर मैनेजमेंट है उनको बुलाया गया था विज्ञान भवन में। और ये आइकॉनिक वीक जो है इसका लॉन्च किया गया, और एक पोर्टल जो है इसकी रिमोट के माध्यम से इसको आज शुरुआत की गई, जिसको जन समर्थ पोर्टल कहते हैं। तो ये आपको याद रखने की बारी है कि पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम विच इज़ जन समर्थ पोर्टल, एंड द पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 6 जून 2022। तो ये पोर्टल लॉन्च हुआ, तो जिसके माध्यम से मोदी साहब ने रुपए की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाने का जो काम किया है, डिजिटल प्रदर्शनी भी आज किए, अमृत महोत्सव के लिए नए सिक्के भी जारी किए। ये सिक्के जो हैं देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य को याद दिलाएंगे, साथ ही साथ राष्ट्र के विकास में जो रुपए का योगदान है उसको भी प्रेरित करेंगे। इस उद्देश्य के साथ सिक्के भी 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के जारी किए गए। अब ये जो यहाँ पर एक समर्थ पोर्टल जो लॉन्च किया गया, ये जो भी हितग्राही है वो क्रेडिट लिंकेज के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री के चक्कर लगाने पड़ते थे, एग्रीकल्चर के लिए अलग मिनिस्ट्री, एमएसएमई के लिए अलग मिनिस्ट्री, और फिर अलग अलग बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए, इसको आसान करने के लिए सरकार ने एक जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया, ताकि जो हितग्राही हैं उनको अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग बैंक के अलग अलग वेबसाइट तक पहुंचने में दिक्कत जो हो रही है उनको उन्होंने निपटारा करने के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल लॉन्च किया, ताकि एक ही जगह उनको समर्थ बनाया जाए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लक्ष्य के लिए उनको जो है साथ दिया जाए। और ये जो सारी तमाम सरकारी योजनाएं हैं जिसमें क्रेडिट लिंकेज दी जाती है उसको सेवा भाव से जनता को समर्पित किया जाए, इस उद्देश्य से ये नेशनल पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। तो इसका सर्वोच्च प्राथमिकता अगर इस योजना की देखी जाए तो इसका ये पोर्टल जो है जन जन तक पहुँचे, और हर पात्र जो व्यक्ति है उसको जो है क्रेडिट लिंकेज गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम योजना का लाभ मिल पाए। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव की बेला पर ये नया पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। अब इस पोर्टल में जो चीज़ें हैं, इस पोर्टल किस लिए, किसके लिए किया गया, ये पोर्टल जनरल पब्लिक के लिए किया गया और बैंक्स के लिए किया गया, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है उनको वित्त पोषण किया जाता है बैंकों के माध्यम से, और उनके लिए एक यूनिक जो डिजिटल सॉल्यूशन के तौर पर ये पोर्टल लॉन्च किया गया। सो जन समर्थ पोर्टल इज फॉर जनरल पब्लिक एंड बैंक्स, इट इज़ अ सिंगल पोर्टल फॉर ऑल क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम। एक सिंगल पोर्टल होगा जहां पर एक ही जगह सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, उस जानकारी के माध्यम से जो हितग्राही हैं वो जो है अपनी एलिजिबिलिटी तय कर सकते हैं, और एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद वो इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। सो ए वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लिंकिंग 15 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स और इंसेंटिव एंड सब्सिडीज। तो जो क्रेडिट लिंकेज योजनाएं हैं जिनमें सब्सिडी है, उनमें इंसेंटिव्स हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, वो तमाम चीज़ें जो है अलग अलग मिनिस्ट्री से अप्लाई नहीं करते हुए एक ही पोर्टल के माध्यम से उनको सारे लाभ मिलेंगे। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट योजनाएं हैं, सरकारी जो वित्त पोषण वाली योजनाएं हैं, उनमें जो है किस URL के माध्यम से आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो URL है www.jansamarth.in। तो इसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, अभिषेक जी नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है।
कारण क्या है, क्योंकि वहां पर वो ऐसे सवाल दे देगा कि भारत सरकार ने हाल ही में एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम जो है उनको वहां पर सुविधाएं मिलेंगी, और उसमें दे देगा जनसमर्थ.com, जनसमर्थ.org.in, तो अपना उत्तर क्या होगा, .in, www.jansamarth.in के माध्यम से ये सुविधाएं मिलेंगी। अब इसके फीचर्स क्या होंगे, इसके फीचर्स क्या होंगे, इस जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से बेनिफिशरीज कैन डिजिटली चेक देयर लोन एलिजिबिलिटी इन फ्यू सिंपल स्टेप। इसको बहुत ही सरलीकरण बनाया है ताकि वो सिंपल स्टेप के माध्यम से जो भी बेनिफिशरीज हैं वो डिजिटली वेबसाइट में जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या वो इस लोन योजना के तहत वित्त पोषण पाने के योग्य हैं। तो पहला फीचर तो यह है, बेनिफिशरीज कैन डिजिटली चेक देयर लोन एलिजिबिलिटी इन फ्यू सिंपल स्टेप्स, ये एक पहला फीचर है। दूसरा है, जो हितग्राही हैं, बेनिफिशरी हैं, वो इन योजनाओं में जिनमें वो एलिजिबल हैं उनको जो है अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर लोन अंडर एलिजिबल स्कीम। वहाँ पर जो योजनाएं दी गई हैं, जैसे कि 15 योजनाएं दी गई हैं, और इन 15 योजनाओं में अगर उनकी एलिजिबिलिटी आती है तो वो सीधे ऑनलाइन वहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगला फीचर है, दे कैन रिसीव डिजिटल लोन अप्रूवल। और यहाँ पर ये एक बढ़िया फीचर है कि बैंक जाने की जरूरत नहीं, अभिषेक जी के पास जाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभिषेक जी के पास गए तो बोलेंगे सर रिकवरी में गए हैं, फिर कहीं कलेक्टर मीटिंग में गए हैं तो थोड़ा 2 दिन टाइम लग जाएगा ना, है ना। फिर अगली बार आए तो साहब अभी वो अपने मनीष साहब प्रमोशन हुए हैं ना तो उनके फेयरवेल में गए हैं, तो वो सब दिक्कत नहीं होगा। वो जो हितग्राही है सीधे सीधे वो अप्रूवल पा सकता है। सो द बेनिफिशरी कैन रिसीव डिजिटल लोन अप्रूवल। वाह, हुई ना बात, शानदार, लोन अप्रूवल मिलेगा सीधे और ब्रांच के पास आएगा, फिर वहां पे डिस्पोजल हो जाएगा, और फिर आप ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ये सरकार भी निगरानी कर रहा है ना, सारे लोग निगरानी कर रहे हैं, तो आपको तय समय सीमा में उनका ड्यू डिलीजेंस करके आपको जो है उनमें कार्रवाई करनी होगी। और अगला फीचर है, प्रॉपर डिस्पोजल इज टू बी डन एट ब्रांच लेवल। तो ये स्टेप्स हैं, बेनिफिशरी जो है वेबसाइट पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम में चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे, वहीं पर सेंक्शन मिल जाएगा, तो कितने चीज़ें आसान हो गई। डॉक्यूमेंट्स खुद है वो अपलोड कर लेंगे, केवाईसी ड्यू डिलीजेंस खुद हो जाएगा, आईटीआर वगैरह वेरिफिकेशन खुद हो जाएगा, सारा पैन कार्ड सब, मतलब जो जो ड्यू डिलीजेंस पार्ट है पूरा हो जाएगा, और साथ ही साथ प्रोसेसिंग भी हो जाएगा, लोन प्रोसेसिंग हो जाएगा और साथ ही साथ लोन सेंक्शनिंग हो जाएगा। अब बताइए हैं, काहे फिर ब्रांच मैनेजर बनाए मनीष जी को, मनीष जी को भेज दीजिए खेती करने के लिए, रिकवरी करेंगे आप तो। चलिए, तो ये जो है बहुत ही शानदार जो है डिजिटल तकनीक के माध्यम से ये जो है अप्रूवल मिलेगा, और जब डिस्पोजल की बात आएगी, उसका ड्यू डिलीजेंस करके जो पेमेंट देने की बात आएगी, तो ब्रांच लेवल पे होगा। अब इसका प्रोसेस समझते हैं, प्रोसेस जो अभी हमने बातों बातों में हम समझा भी रहे हैं, तो ये प्रोसेस कैसा है कि वेबसाइट पे जो है हितग्राही आएंगे, वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। पहला स्टेप है चेक एलिजिबिलिटी, तो एंसर फ्यू क्वेश्चन एंड गेट मैच विद बेस्ट सुटेबल स्कीम। कुछ सवाल पूछेगा वेबसाइट, नाम क्या है, पता क्या है, आपकी आय क्या है, क्या करते हो, ये से कुछ सिंपल से सवाल पूछेगा, फिर उसके बाद आपको सुटेबल स्कीम मिल जाएगा, और सुटेबल स्कीम के बाद आप फिर आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी कि आपको पैसा मिलेगा, ये लोन में सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आप उसको अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, प्रोवाइड बेसिक डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी वुड कैप्चर ऑटो फिल्ड रिक्वायर्ड डिटेल थ्रू स्मार्ट एनालिटिक्स। तो वहां पर इस तरह से इंटीग्रेटेड किया गया है सिस्टम को कि आपका पैन कार्ड डालते ही वेरीफाई हो जाएगा, आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट हो जाएगा, जो ऑटोमेटिक जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स हैं वो स्मार्ट एनालिटिक्स के माध्यम से वहां पर फेच हो जाएंगे, तो ये अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद डिजिटली अप्रूवल मिल जाएगा, और 125+ लेंडर्स यहाँ पर ऑफर देंगे, और उस ऑफर के माध्यम से डिजिटली अप्रूवल जो है उनके क्राइटेरिया के माध्यम से उनके सिविल स्कोर आ जाएगा ऑटोमेटिक, और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर अप्रूवल भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो हितग्राही है वो अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और रियल टाइम स्टेटस जान सकते हैं कि भाई हमारे अभिषेक गौतम जी के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो प्रपोजल सेंक्शन के लिए।
फिर जब सेंक्शन के लिए पहुंचा तो उन्होंने और क्या इक्यूरी तो नहीं निकाली है, सारी चीजें जो है ट्रैकआउट कर सकते हैं, है ना। जबरदस्त बात, अगर है तो एक थम्स अप कर दीजिए ना, कितना अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है ना। ग्राहक भी आपको अच्छे मिलेंगे और एलिजिबिलिटी भी वो जो है खुद ही निकाल देगा। अब जब वो प्रपोजल आपके पास आएगा, शायद इसकी शुरुआत भी हम लोग जो पीएम स्वनिधि के माध्यम से कर भी लिए हैं, इस तरह के डायरेक्ट सेंक्शन आते हैं, और ऑटो लोन भी हमने किया होगा। अभी जो जीईसीएल में जो सेंक्शन प्री अप्रूव्ड सेंक्शन लोन भी आपने किया है, तो ये ट्रैक एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इस योजना में जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसमें कौन कौन से लोन हो सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि 15 स्कीमें जो लोन के यहाँ पर एलिजिबल हैं, अगर कोई हितग्राही इन योजनाओं के बारे में लोन लेने के लिए योग्यताएं चेक कर रहे हैं और अप्लाई कर सकते हैं, वो हैं, पहला है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में 3 योजनाएं जो हैं ये अभी वर्तमान में चालू की गई हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन स्कीम है, एक CSIS स्कीम है, अभिषेक जी जानते हैं ना CSIS स्कीम, सेंटर सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, है ना, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम मिलता है ना, ऐसे जो होनहार छात्र हैं जो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ते हैं इंडिया में, और उनके जो माता पिता की जो पारिवारिक आय है 4.5 लाख रुपए से कम हो, तो उनको जो है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम मिलता है, तो वो योजना का लाभ इसमें मिल सकते हैं एजुकेशन लोन के लिए। दूसरा डॉक्टर अंबेडकर सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है ना मनीष जी, डॉक्टर अंबेडकर जानते हैं ना, उसके लिए क्या होता है, जो अदर बैकवर्ड क्लास के जो छात्र हैं विदेश में पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश पढ़ने जाते हैं, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो होनहार छात्र हैं वो भी मास्टर डिग्री के लिए विदेश जाते हैं, तो उनको भी इंटरेस्ट मिलता है, बशर्ते उनकी जो फैमिली इनकम है वो 6 लैक्स हो, कितना 8 लैक्स होनी चाहिए, 8 लैक्स होनी चाहिए, तब वो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम मिलता है, तो ये योजना का लाभ भी इसमें मिल सकते हैं। फिर आता है पढ़ो परदेश, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो होनहार छात्र हैं विदेश में मास्टर डिग्री के लिए जाते हैं, उनकी जो पारिवारिक आय है अगर 6 लाख से कम है, तो उनको भी ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम मिलती है। तो एजुकेशन लोन में ये 3 योजनाएं हैं, एक CSIS, डॉक्टर अंबेडकर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स, और पढ़ो परदेश एजुकेशन लोन स्कीम। इसके तहत चूंकि मोरेटोरियम, जो इंटायर मोरेटोरियम पीरियड होता है उसका इंटरेस्ट जो है वो वेव हो जाता है, 100% इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है फॉर एंटायर मोरेटोरियम पीरियड जो है उसकी सब्सिडी मिलती है। ये महत्वपूर्ण योजना है। फिर आते हैं एग्रीकल्चर की ओर, तो एग्रीकल्चर में जो है अभी 3 योजनाओं का लाभ जो है यहाँ पर मिलेगा। एग्रीकल्चर में जो 3 योजनाएं हैं वो है, पहला है कि आपका जो एग्रीकल्चर, जो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर है, और दूसरा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक और स्कीम्स है जो AMI कहते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी जो इक्विपमेंट्स हैं वो हैं। तो ये 3 योजनाएं जो हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेगा। और फिर उसके बाद जो योजनाएं हैं वो बिजनेस एक्टिविटी लोन है। बिजनेस एक्टिविटी लोन में जैसे मुद्रा लोन है, 6 योजनाओं को शामिल किएगा, मुद्रा लोन है, SRMS है, WMCS है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, PMEGP है, स्टैंड अप इंडिया है, तो ये सारी योजनाओं का लाभ जो है वो बिजनेस एक्टिविटी लोन में मिलता है। और एक होता है लाइवलीहुड मिशन। लाइवलीहुड मिशन में 2 योजनाएं हैं, इसमें भले स्क्रीनशॉट में एक योजना दिख रहा है लेकिन 2 योजनाएं हैं लाइवलीहुड मिशन में। एक है NRLM, है ना, NRLM बहुत ही फेमस, SHG वुमेन SHG को दिया जाता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और एक है NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये 2 योजनाएं इसमें हैं। तो ये 15 योजनाओं का लाभ इस जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। और इसकी खास बात देखिए, इसमें खास बात क्या है, इसका इंटीग्रेशन देखिए, डिजिटल इंटीग्रेशन इस तरह से किया गया है कि इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, UID, NSDL और भारत सरकार की जो तमाम जो साइट्स हैं जिनके माध्यम से उनके ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं, उनके डाटा को इंटीग्रेटेड कर दिया है। तो डिजिटल इंटीग्रेशन जो इस पोर्टल में किया गया है, जन समर्थ पोर्टल ए वन ऑफ इट्स काइंड, इट्स हैविंग मल्टीपल इंटीग्रेशन विद इन द प्लेटफॉर्म विथ UIDAI, CBDT, NSDL, LGD एक्सेट्रा। दिस इंटीग्रेशन प्रोवाइड ए बैकबोन ऑफ डिजिटल एसेस टू ऑथेंटिकेट ए डाटा।
कोई भी डाटा अगर इनपुट करता है तो ये इंटीग्रेशन क्या करता है, उस डाटा को वेरीफाई कर लेता है, ऑथेंटिकेट कर लेता है, ताकि जो आपको मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूट है उनको जो है हसल फ्री, उनका टाइम बच जाएगा और उनके निर्णय तक पहुंच पाएंगे कि इसको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो ये ऑटोमेटिक एक जो रूल इंजन है जनसमर्थ पोर्टल का, जिसके माध्यम से वो लेंडर इंस्टीट्यूट को इनेबल करता है कि बेनिफिशियरी को उनके मनपसंद लोन के जो डिटेल्स दिए गए हैं उनके आधार पर उनको स्वीकृति ऑन बोर्ड किया जाए और स्वीकृति उनको डिजिटल तरीके से दिया जाए। तो ये इस योजना की जो खासियत है, जिसके माध्यम से हितग्राहियों को ये सुविधा प्रदान करने की सबसे बड़ी जो जबरदस्त जिम्मेदारी है वो मिली है अभिषेक जी को, गौतम अभिषेक जी को और मनीष जी को, है ना। तो हम फिर एक बार ये एकदम छाती चौड़ा करके बिल्कुल तैयार होके ग्राहक सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। एक नई योजना आपके सामने आई है इस आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन और आने वाले जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75वीं आज़ादी के वर्ष पर, तो इस पर जो है इस योजना का लाभ जनमानस तक, जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। पहले हम लोगों ने खाता सबके खोल दी है, अब ये योजना का लाभ भी लोगों तक पहुंचाने की एक ज़बरदस्त जिम्मेदारी आपके पास है। तो ये टेक्नोलॉजी को सीखने की ज़रूरत है और इसका लाभ जो है ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने की जो है ये सक्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, एक समर्थता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये योजना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सरकार की प्राथमिकता होती है, वहाँ बैंक की प्राथमिकता होती है, जहाँ बैंक की प्राथमिकता होती है वहाँ एग्ज़ाम की भी प्राथमिकता होती है। तो हमें इन योजनाओं को इसलिए जानना होता है। इसके पार्टनर बैंक देखिए 8 मिनिस्ट्री को जोड़ा गया है, 10 नोडल एजेंसी को जोड़ा गया है और 125 से ज़्यादा लेंडर्स हैं। तो 125 से ज़्यादा लेंडर्स हैं, तो अगर सवाल जो है इससे आएंगे तो मुख्य तौर पर इस पर जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो है पोर्टल का नाम और गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर लोन स्कीम्स के बारे में है और उसके वेबसाइट का एड्रेस भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी पिछले महीने ही एग्ज़ाम हुआ था जहां पर स्टैंड अप इंडिया के वेबसाइट का नाम पूछा गया था, है ना, ठीक उसी तरह इसका नाम पूछा जा सकता है। इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में पूछा जा सकता है और जो सिक्के लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में भी पूछे जा सकते हैं। क्या क्या योजनाएँ इस जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से लोगों तक विस्तारित की जाएंगी उसको पूछे जा सकते हैं, तो उन योजनाओं को याद करने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूं कि इस योजना जो है आज जो लॉन्च हुआ है इसके बारे में आपको सरल तरीके से जानकारी मिल पाया होगा, क्योंकि आज ही ये योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए एक जनसमर्थ पोर्टल जो लॉन्च किया उसके बारे में ये जानकारी थी। और जनसमर्थ पोर्टल जो है इसका कोर जो ऑब्जेक्टिव है सरकारी क्रेडिट योजनाओं को वन डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये पोर्टल लॉन्च किया गया और ये देश का अपनी तरह का एक पहला पोर्टल है जो जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको सीधे सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है। एक ऐसा मात्र जो है अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो लाभार्थियों को, मतलब क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स जो होते हैं जिनमें सब्सिडी होती है, इंटरेस्ट सब्सिडी होती है, इंसेंटिव्स होते हैं, ऐसी योजनाओं को लाभार्थियों के साथ, मतलब सही योग्य जो उनके बेनिफिशरीज हैं उनको सीधे सीधे मनी लेंडर इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ने का काम करती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो समावेशी विकास है, जिसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं ना, इंक्लूसिव, हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दिया ना अभिषेक जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दिया, मतलब भारत के देश के आखिरी नागरिक, आखिरी घर के आखिरी नागरिक को भी आपने तो घर जा जाके जोड़ दिया बैंक से, है ना। तो उनके समावेशी विकास को और सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से वो जो विकास के दौर पे जो नए आइडिया के साथ काम करना चाहता है उसी को सही तरीके से वित्त पोषण करने के लिए और सरकार की जो विभिन्न योजनाओं के तहत जो उनको सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, उसको सरकारी लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। और ये पोर्टल जो है सभी क्रेडिट लिंक योजनाओं के संपूर्ण कवरेज देता है। तो ये थी थोड़ी साधारण सी जानकारी आज जो है एक हमारे लिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन दिन, क्योंकि नया पोर्टल लॉन्च होता है, नई योजनाएँ लॉन्च होती हैं तो उसको जानने का जो है हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि या तो आप
उन योजनाओं को जानना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कल उनका सामना करना पड़ेगा। कल कोई साथी या कोई हमारे ग्राहक जो है मनीष जी के काउंटर पे आएंगे तो मनीष जी एकदम स्माइल के साथ ये योजना के बारे में बता पाएंगे, है ना मनीष जी? बता दोगे ना आप? बढ़िया तरीके से बता लोगे। आइए सर, एकदम शानदार तरीके से, जैसा अभी हम लोग बातों बातों में इतने सारी चीजें यहाँ पर हम लोग चर्चा किए वैसे हमारे मनीष जी बता देंगे, और नहीं है तो ये वीडियो दोबारा देख लेंगे और बता देंगे, है ना? अभिषेक जी तो पक्का बता देगा, है ना? तो और सभी लोग बता लेंगे, सभी सक्षम हैं। तो क्यों? क्योंकि अटूट विश्वास अगर आपको है तो सफलता की नींव वहीं पड़ गई। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको अटूट विश्वास होना चाहिए। आप अभी प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना अभिषेक जी? कर रहे हैं ना? तो आपको एकदम अटूट विश्वास होना चाहिए कि हाँ सर मेरा ही होगा, है ना? 84 पोस्ट है ना, एक तो मेरा है सर, बाकी 83 का मुझे पता नहीं किसका किसका, एक तो मेरा है। एक अटूट विश्वास होना चाहिए, वही सफलता की नींव है। ठीक उसी तरह जब बैंकिंग इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, जो योजनाओं के बारे में हम जो विस्तारित करते हैं उनके प्रति भी हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए कि ये योजना जो आई है ये सफल होगा, और सफल नहीं भी होगा तो उसको हम सफल बनाने में मदद करेंगे, उसको सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और उसको सफल बनाएंगे। तो ये अटूट विश्वास मैं आप लोगों को देता हूँ। यस विकास जी बोल रहे हैं आई कैन डू इट, जरूर कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, और आपने सोच लिया तो जरूर कर सकते हैं, है ना? क्योंकि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। जिस कश्ती में आप सवार हैं उस कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, केवल दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो केवल दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। और इसी तरह आप लोग हर रोज जो है रात को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे तो सफलता के सितारे बदल जाएंगे। तो आप सभी जो सफल हमारे होंगे ना, सभी सितारे बन जाएंगे, और नए उजियारे की ओर से, नए गरिमामय जीवन के साथ, नए विश्वास के साथ और नई जिम्मेदारी के साथ आप लोग बढ़ते रहिए। अभी इस योजना के बारे में आपको ये जानकारी मिली, और भी नए अपडेट्स आएंगे तो हम लोग उसको सीखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अभिषेक जी एक छोटा छोटा बात कर लें, अभिषेक जी इस योजना के बारे में क्या एक अच्छी चीज लगी? सर इस योजना मालूम सर, जितने भी लिंकेज है सर, क्रेडिट लिंकेज है, सबको एक ही जगह पर कर दिया गया है, ये सब आसान हो गया है। अब जो भी अप्लाई करना चाहे सब एक ही तरीके से कर सकते हैं। कितना आसान कर दिया ना, कि वहाँ ब्लॉक में जाओ, ग्राहक जो है ब्लॉक में जाता था, वहाँ आवेदन भरता था, वहाँ दिन वहीं लग जाता था, फिर वो सर, फिर वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का अगर रहता था एग्रीकल्चर की स्कीम, तो कुछ लोग उद्योग विभाग, कुछ लोग उद्योग विभाग जाते थे किसी चीज के लिए, सब कुछ यहीं पर हो गया है सर, सब कुछ एक ही विंडो से होगा, सब कर दिए सर, सब घर बैठे हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा समझा आपने। मनीष जी आपको क्या चीज अच्छा लगा? एक सर इसमें शॉर्ट लिस्ट होके आएंगे, मतलब जो मतलब सिलेक्ट होके आएंगे उसमें, मतलब उनके पूरा वेरिफिकेशन होके आएगा क्लियर। हाँ थोड़ा सा इजी पड़ेगा लोन करने में। बहुत बढ़िया बात कहा मनीष जी ने, कि आप हमारा काम सारा जो है पोर्टल कर देगा, है ना? आप जाते थे उसका आधार कार्ड चेक करते थे, कोई फर्जी हो गया नहीं हो गया, पैन कार्ड, ये सारा काम कौन कर देगा? जन समर्थ पोर्टल कर देगा, ड्यू डिलीजेंस कर देगा, और साथ साथ उसकी एलिजिबिलिटी भी चेक कर देगा, उसका ITR सही है कि नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी बन रही कि नहीं योजना में, और अगर उससे एलिजिबिलिटी आए तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी, है ना, कि आपसे गलती जो है नहीं होगी। तो कितना जबरदस्त पोर्टल कर दिया। अच्छा और कौन सी बात अच्छी लगी अभिषेक जी बातों सर? इसमें लिखा है 8+ मिनिस्ट्री सर, तो सर 8+ मिनिस्ट्री यानी जितने भी मंत्रालय, इसमें 8+ मंत्रालय आएंगे सर, या कोई एक आएगा मंत्रालय सर? नहीं नहीं मतलब 8+ इसलिए लिखा है कि 8 से ज्यादा मंत्रालय अभी लिंक्ड हैं, आने वाले दिनों में और भी मंत्रालय लिंक्ड हो जाएंगे, है ना, विद एंड कॉर्पोरेट। सर एक चीज पूछना था सर, ये जो बना है सर नेशनल पोर्टल सर, ये किस मंत्रालय के अंदर अभी आ रहा है? सिंपल वित्त एंड कॉर्पोरेट मंत्रालय, मामलों के मंत्रालय, वित्त एंड कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। ये अच्छा सवाल आपने पूछा, ये पूछा जा सकता है कि जन समर्थ पोर्टल जो है ये जो है मैनेज बाय या इसका निगरानी कौन मंत्रालय जो है इसको जारी किया है, तो कौन सा? वित्त कॉर्पोरेट मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, ठीक है, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री जो है इसको किया है। ये बढ़िया है मनीष जी, और कोई आप तो बढ़िया लिख रहे हो मनीष जी, आप तो मतलब वो पढ़ाई का जमाना याद आ गया, ऐसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल जीतेंगे। बचपन में हम लोग सब क्लास में टॉप करते थे ना, क्योंकि ऐसे ही रजिस्टर भरते थे लिखते थे, तो अभी भी अगर लिखेंगे तो फिर सफलता मिलेगी। यस मनीष जी और कोई बात जो सर एक चीज और पूछ रहा था सर, हमारे प्रमोशनल एग्जाम में हिंदी से भी कुछ सवाल आते हैं सर। आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं हिंदी का अभी आपको नोट्स दे दूंगा।
ठीक है सर, ठीक है सेशन के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करना, हिंदी करके कुछ टाइप कर देना सर, हिंदी का चाहिए मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, हिंदी का सारा नोट्स मिल जाएगा और बेहतरीन बेहतरीन मिल जाएगा वो, है ना, आपको दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं, वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना ये मोदी साहब ने सिखाया ना। थैंक यू सर। ओके, तो हमारे जिनको भी चाहिए, हमारे मनीष जी को भी चाहिए होगा, अगर वो क्लरिकल टू ऑफिसर को चाहिए होता है, वैसे स्केल वन टू 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 के लिए नहीं चाहिए होता है, तो हिंदी का बढ़िया सा मटेरियल तैयार है, हम दे देंगे आपको व्हाट्सएप पर, ठीक है। और कोई अच्छी बात इसकी जो छूट रहा हो वो याद रखने वाली बात है, वो सारी योजनाएं जो योजनाएं इस वेबसाइट के माध्यम से दी जाएंगी उन योजनाओं को याद रखिएगा। और दूसरी चीज क्या याद रखिएगा मनीष जी, ये तारीख, तारीख याद रखिएगा, लॉन्चिंग डेट है ना, वहां दे देगा 6 जून 6 मई ऐसा करके देगा अगर, है ना, एग्जाम है तो आपको याद रहेगा 6 जून, ठीक है। तो वो आपका बच्चा जो है इशारा कर रहा है कि खाना हो गया चलो करके, इशारा कर रहे मनीष जी को है खाना हो गया करके, तो चलिए मनीष जी को इशारा आ गया है। हाँ नहीं नहीं सर, वो पढ़ने बैठ गई वो। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ने बैठ गई है, बहुत बढ़िया है, तैयारी कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं सर? अभी एलकेजी में है। एलकेजी में, अरे वाह बढ़िया है, इनको अलग पढ़ने की आदत हो जाएगी। जी सर, जी सर, खुद जागने की और उसको जगाने की आदत हो जाए, मजा आ जाए अगर साथ में ऐसे पढ़ने के लिए, पढ़ने की मोहब्बत हो जाए और पढ़ने की आदत हो जाए, है ना, तो एक पढ़ने की आदत होती है ना तो इंसान जो है सीखता जाता है, और जब सीखते हैं ना तो आप में जीतने का मादा आता है, एक अनुभव आता है और आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज ये नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसलिए हम लोग सेशन नया पोर्टल का किए, अदरवाइज में मध्यांचल ग्रामीण बैंक के लिए एक इंटरनल सेशन क्रेडिट पॉलिसी पे तैयार है, कल हम लोग क्रेडिट पॉलिसी पे कर लेंगे। तो अभी ये सीरीज जो है मध्यांचल ग्रामीण बैंक का हम लगातार करेंगे, जब इनका सारे पॉलिसीज जो है हो जाएंगे तब फिर हम दूसरे बैंक का पॉलिसीज पढ़ेंगे। तो बेहतरीन तरीके से शानदार रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही साथ निभाते रहिए। आप सभी के अच्छे सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे कल नए सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर।